दोस्तों, हाल ही में क्या आपने सपने में अपनी किताब में मोर पंख देखा है, या सपने में आपने मोर को हवा में उड़ते हुए देखा है, या आप मोर से जुड़े सपनों का सही अर्थ खोज रहे हैं? तो आज आपकी खोज पूरी होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको मोर से जुड़े सभी सपनों का सही अर्थ बताने वाले हैं। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि जब मोर अपने पंख फैलाकर नाचता है तो बारिश होने लगती है, और फिर बारिश में नाचता हुआ मोर किस्मत वालों को ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण अपने सर पर मोर पंख धारण करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण अपने सर पर धारण करते हैं, यदि वह मोर पंख या मोर सपने में दिखाई दे तो उसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ग्रंथ चैनल में, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोर से जुड़े सभी सपनों के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखते रहिए। साधारण अर्थ की बात की जाए तो सपने में मोर देखना एक बहुत ही शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना सुख शांति और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि जिसको सपने में मोर दिखाई देता है, आने वाले समय में उसका अपने साथी से जल्द ही मिलन होता है। तो दोस्तों, यह तो हुआ साधारण अर्थ। चलिए अब मोर से जुड़े सभी विशेष सपनों के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। सपने में बहुत सारे मोर दिखाई देना एक शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको अलग अलग स्रोत से बड़ी मात्रा में बहुत ज्यादा धन मिलने वाला है। दोस्तों, मोर को लक्ष्मी जी का रूप भी माना जाता है, और हमें पता है लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा जाता है, तो इस प्रकार का सपना आने वाले दिनों में आपको अमीर बना सकता है। इसके अलावा अगर आप एक ही स्थान पर मोर का झुंड या जमावड़ा देखते हैं, तो यह सपना इस बात की ओर संकेत देता है कि आने वाले दिनों में कम समय में आप बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि एक मोरनी के पीछे मोरनी के बच्चे चल रहे हैं, तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। साथ ही यह सपना संतान प्राप्ति की ओर भी इशारा करता है। सपने में एक मोर को खुशी से नाचते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में आपको कोई बड़ी खुशी की खबर मिल सकती है। सपना देखने वाला अगर एक व्यापारी है तो यह सपना उसके लिए शुभ संकेत देता है। यह सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले समय में आपके व्यापार में खूब तरक्की और उन्नति होने वाली है। इसके साथ ही यह सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले समय में आप एक नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगर कोई बीमार इंसान सपने में किसी नाचते हुए मोर को देख लेता है, तो इसका अर्थ है कि आने वाले समय में जल्द ही आपकी बीमारी ठीक होने वाली है। यही सपना कोई निसंतान व्यक्ति देखता है, तो आने वाले समय में उसके घर में किलकारियां गूंजेंगी, जल्द ही उसको सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। इसके विपरीत, सपने में एक मोर को गुस्से में नाचते हुए देखना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले समय में आपका शत्रु आपका काफी नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जा सके। आप विवाहित इंसान हैं और सपने में आपको मोर मोरनी का जोड़ा दिखाई देता है, तो यह सपना आपके लिए शुभ संकेत देता है। यह सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले समय में आपके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आने वाली है। अगर आपके बीच मनमुटाव चल रहा है, तो इस सपने के बाद आपके मध्य चल रही अनबन अपने आप ही खत्म हो जाएगी। यही सपना अगर कोई अविवाहित इंसान देखता है, तो यह सपना आपके लिए प्यार और प्रेमी के जोड़े बनने का संकेत देता है। यह सपना दर्शाता है कि आने वाले दिनों में आपको किसी से प्यार होने वाला है। सपने में मोर पंख देखना शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में भाग्य आपका साथ देगा। साथ ही सपने में मोर पंख को अपने किताब या संदूक में देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में आपको सद्बुद्धि प्राप्त होने वाली है। अगर आप मोर के पंख को अपने हाथों में लिए हुए नजर आते हैं, तो यह सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपका विवाह संबंधी योग बनने वाला है। सपने में मोर को उड़ते हुए देखना एक शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सपने में दो मोरों को आपस में लड़ते हुए देखना एक अशुभ संकेत माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आपकी किसी से बहस होने वाली है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि एक मोर आपको डरा रहा है, तो यह एक अशुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आपको मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलेगी।
आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं आपको मेहनत का कुछ ही हिस्सा मिलेगा, मेहनत के अनुसार आपको फल नहीं मिलेगा। सपने में आप देखते हैं कि आप किसी व्यक्ति के मोर पंख खरीद रहे हैं तो यह एक शुभ सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में आपका रुका हुआ काम चलने लगेगा। सपने में आप देखते हैं कि आप एक मोर की हत्या कर देते हैं तो यह एक अशुभ सपना माना जाता है। दरअसल यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपका बुरा समय आने वाला है। साथ ही यह सपना बहुत बड़ी धन हानि की ओर संकेत करता है। सपने में काला मोर देखना एक अशुभ सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले दिनों में लोग गलतफहमियों के चलते आपका विरोध करने वाले हैं। सपने में मरे हुए मोर को देखना एक अशुभ सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप एक किसान हैं और सपने में आप किसी मोर को मृत अवस्था में देखते हैं या मोर को मरते हुए देखते हैं तो यह सपना इस बात की ओर संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपकी फसल पानी के अभाव में सूखने वाली है। इस सपने के बाद समय पर बारिश नहीं होगी जिससे आपको काफ़ी नुकसान होने वाला है। आप सपने में अपने घर में एक मोर को पालतू जानवर के रूप में देखते हैं। आप मोर को हाथ में रखकर दाना खिलाते हैं तो भी वह मोर आपसे डरता नहीं है। कहने का अर्थ है कि आप सपने में देखते हैं कि आपने एक मोर पाल रखा है तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको मन मुताबिक सफलता मिलने वाली है। अगर आपको अभी तक बताए गए सपनों से कुछ अलग सपना आया है या सपनों के बारे में आपका कोई प्रश्न है या आपको कोई विशेष सपना आया है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं जिससे हम रिसर्च करके उसका वीडियो आपके लिए बना सकें। हमारा वादा है कि हम आपके सपने पर पूरे अध्ययन और विश्लेषण के बाद वीडियो जरूर लेकर आएंगे। ये देखिए उन सभी किताबों का भंडार जिनसे हम आपके सामने प्रूफ और विश्लेषण के साथ ही सही और पूरी तरह से सटीक जानकारी लेकर आते हैं। और कृपया कर ऐसे चैनल से सावधान रहें जो व्यूज के चक्कर में गलत जानकारी दे रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद।